हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लखेड़ा और आज हम नॉट गेट के बारे में जानेंगे और उसके साथ नॉट गेट के साथ प्रैक्टिकल करेंगे और उसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और TCH इंडिया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में तीन गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे नॉट गेट के बारे में। तो ये हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। नॉट गेट में हम इस बबल को यूज़ करते हैं जो कि नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका सिंबल होता है। और वाई इक्वल्स टू ए बार, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। अब ये हमारी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल है। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है, उससे हमें एक आउटपुट मिलती है। तो नॉट गेट को अगर हम ज़ीरो इनपुट देंगे तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा और हाई इनपुट देंगे तो लो आउटपुट मिलेगा, इसलिए हम इसे एक इन्वर्टर भी कहते हैं। अब ये हमारा नॉट गेट का आईसी पिन डायग्राम है। हमारे नॉट गेट का आईसी नंबर होता है 7404। इसमें हमारा जो फर्स्ट वाली पिन होती है वो इनपुट होती है, सेकंड वाली पिन आउटपुट होती है, फिर उसी तरीके से थर्ड वाली इनपुट, फोर्थ वाली आउटपुट। इसमें हम 6 गेट को यूज़ करते हैं। 7th वाली पिन ग्राउंड से कनेक्ट होती है और 14th वाली पिन VCC से कनेक्ट होती है। अब हम करेंगे नॉट गेट पे प्रैक्टिकल। तो ये हमारी आईसी है नॉट गेट की। अब जो हमारी आईसी होती है उसे हम ऐसे करते हैं कि जो नॉच है उसके लेफ्ट साइड से पिन को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पिन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। फिर इसके बाद हम यहाँ से करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो हमारी जो 14 वाली पिन है वो हमारी VCC से कनेक्ट होती है और जो हमारी सेवन्थ होती है उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने 5 वोल्ट सप्लाई दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ग्राउंड को कनेक्ट। तो क्योंकि हमने इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन पे हमने इसको ग्राउंड कर रखा है, इसलिए हम 7th वाली पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और जो 14th वाली पिन है हम उसे ऊपर यहाँ VCC के साथ कनेक्ट करेंगे। और हम इसमें करेंगे एक इनपुट जिसको कि हम नाम देंगे ए इनपुट। फिर जो इससे हमें आउटपुट मिलेगी, इस आउटपुट को हम इस LED के थ्रू बताएंगे। इसमें जो इसकी नेगेटिव पिन होती है उसे ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव होती है उसे आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। तो फिर जब हम इसमें इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे तो हमारी ट्रुथ टेबल ये है। हम पहले ए को ज़ीरो देंगे। जब हम इसकी इनपुट को लो देंगे, मतलब कि ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, तो LED ग्लो हुई, मतलब कि हमें हाई आउटपुट मिली। फिर अब हम हमारी ये फर्स्ट वाली लाइन तो वेरीफाई हो गई ट्रुथ टेबल की। अब हम सेकंड वाली करेंगे, मतलब हम इनपुट को हाई देंगे। तो हमने यहाँ से हटा के इसे हमने हाई दिया, लेकिन हमारी LED ग्लो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर जब हम इसमें ज़ीरो इनपुट देते हैं तो हमें हमारी LED ग्लो होगी, तब हमारा आउटपुट हाई होगा। और जब हम इसे हाई इनपुट देंगे तो हमारी LED ग्लो नहीं होती है, क्योंकि तब हमारा लो इनपुट होता है। इसी तरह हम एक नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाई को लो और लो को हाई करता है। थैंक यू।